बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्मार्टनेस में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है वर्क अर्थात कार्य। जी हाँ, फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। होती है कार्य की, किसी वस्तु पर जितना अधिक बल लगाया जाता है तथा जितना अधिक वस्तु की स्थिति में विस्थापन होता है कार्य उतना ही अधिक होता है। अतः कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के गुणनफल के बराबर होती है। देखिए दोस्तों, जो भी कार्य होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है कि उस पर कितना बल लगाया जा रहा है और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है वस्तु की स्थिति में विस्थापन। जी हाँ, यदि हम बल लगा रहे हैं और विस्थापन नहीं हो रहा है अर्थात हमारे पास कार्य भी नहीं हो रहा है, इसलिए बल लगाने के साथ साथ वस्तु की स्थिति में विस्थापन होना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम कहेंगे कि वहाँ पर कार्य किया गया है। यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु गुणनफल के बराबर होती है, अर्थात कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। जी हाँ, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। यदि किसी पिंड पर F बल लगाने से पिंड में बल की दिशा में डेल्टा S विस्थापन होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल तरीके से बल की डेफिनेशन को दर्शाया गया है कि यदि किसी पिंड पर F बल आरोपित किया जाता है और उसकी स्थिति में मान लीजिए डेल S विस्थापन होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा वो हम देखते हैं। तो बल द्वारा कार्य W बराबर F इंटू डेल्टा S। यहाँ पर जो W है वो कार्य को दर्शा रहा है, F वस्तु पर आरोपित बल को दर्शाता है और जो S है वो विस्थापन को दर्शाता है। पिक्चर में दिखाया गया है कि व्यक्ति एक रोलर को ढकेल रहा है, तो यहाँ पर जो बल लगाया जा रहा है रोलर पर उसके बीच और वस्तु की जो जिस ओर बल लगाया जा रहा है उसके बीच जो एंगल बन रहा है थीटा, जी हाँ, इसे हम कॉस थीटा के रूप में डिनोट कर रहे हैं। तो इससे हमारा जो घटक है डब्लू का वो बन जाता है कार्य का डब्लू बराबर एफ कॉस थीटा इंटू डेल्टा एस, जहाँ पर एफ कॉस थीटा जो है वो विस्थापन की दिशा में बल का घटक कहलाता है, विस्थापन की दिशा में बल का घटक कहलाता है। यहाँ पर जो डब्लू है कार्य को हम एफ कॉस थीटा इंटू डेल एस के रूप में डिनोट करते हैं। जो थीटा है वो हमारे बल की दिशा और वस्तु पर डिपेंड करता है कि उस इन दोनों के बीच में कितने का एंगल बनाया जा रहा है। कारों की तरफ कार्य कितने प्रकार के होते हैं, इसमें हमारा पहला प्रकार है धनात्मक कार्य या पॉजिटिव वर्क। जब वस्तु में विस्थापन बल की दिशा में होता है, ध्यान से देखिएगा, जब वस्तु में विस्थापन बल की दिशा में होता है तो वस्तु पर किया गया कार्य धनात्मक कहलाता है। यहाँ पर कैसे धनात्मक कहलाएगा, जो हमने ऊपर फिगर में देखा था, यदि उनके बीच में जो थीटा एंगल है, एंगल अगर ज़ीरो है, सपोज़ वस्तु का वेग इस साइड है और हम फोर्स भी उसी दिशा में लगा रहे हैं, तो दोनों की दिशा समान होने के कारण उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो ज़ीरो डिग्री का बनता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कॉस ज़ीरो की जो वैल्यू होती है वो वन होती है, अर्थात सर्वाधिक वैल्यू कॉस थीटा की जो होती है वो ज़ीरो डिग्री एंगल में ही नापी गई है, इसलिए यहाँ पर धनात्मक कार्य होगा और अधिकतम कार्य होगा। तो इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखिएगा कि जो कॉस थीटा है, अगर थीटा की वैल्यू ज़ीरो होती है तो वहाँ पर कार्य धनात्मक माना जाता है। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गुरुत्व के अधीन गिरती है तो वहाँ पर धनात्मक कार्य होता है। जब भी किसी वस्तु को हम ऊंचाई से नीचे गिराते हैं तो गुरुत्व के अधीन होकर गिरती है, वहाँ पर हमारे द्वारा कार्य धनात्मक माना जाता है। हालांकि वहाँ पर फोर्स बहुत कम लगता है किंतु वहाँ पर कार्य धनात्मक होता है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, जब घोड़ा समतल सड़क पर गाड़ी को खींचता है। जी हाँ, जब घोड़ा समतल सड़क पर गाड़ी को खींचता है तो वहाँ पर घर्षण बिल्कुल भी नहीं होता है, और जहाँ घर्षण नहीं होता है वहाँ पर रुकावट अवरुद्ध कम से कम पाया जाता है और वहाँ पर जो कार्य है धनात्मक कहलाता है। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है कार्य का वो है ऋणात्मक कार्य या नेगेटिव वर्क। जब वस्तु में विस्थापन बल की दिशा के विपरीत होता है, बल की दिशा के विपरीत होता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक कहलाता है। देखिए दोस्तों, जब हम फोर्स बल इस तरफ लगा रहे हैं और जो विस्थापन है उसके अपोजिट साइड हो रहा है, तब यहाँ पर जो दोनों के बीच में एंगल बनता है वो 180 डिग्री का एंगल बनता है। यही चीज़ यहाँ पर दर्शाया गया है कि यदि
थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो कॉस 180 की डिग्री की जो वैल्यू होती है हम सभी जानते हैं माइनस वन होती है या न्यूनतम होती है, अर्थात यहाँ पर जो कार्य होता है वो माइनस या फिर ऋणात्मक कार्य कहलाता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब कार्य ऋणात्मक माना जाता है, जब विस्थापन और बल दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का होता है तो वहाँ पर जो कार्य होता है वो ऋणात्मक माना जाता है। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं दोस्तों। पहला एग्जाम्पल है घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है क्योंकि विस्थापन घर्षण बल की दिशा के विपरीत होता है। घर्षण बल जहाँ भी लगेगा ध्यान दीजिएगा वहाँ पर ऋणात्मक कार्य ही होता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है जब एक धन आवेशित कण दूसरे धन आवेशित कण की ओर जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो प्लस प्लस चार्जेस होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और माइनस माइनस चार्जेस भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इस तरह धनावेशित कण दूसरे को जब धनावेशित कण होता है वो प्रतिकर्षण कहने का मतलब है कि वो कण एक दूसरे के अगर ये भी सब पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है और जब दोनों पास आएंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाने की यानी कि विपरीत दिशा में जाने की कोशिश करते हैं और यहीं पर जो कार्य होता है वो निगेटिव हो जाता है। जब वस्तु में विस्थापन बल की दिशा के लंबवत होता है तो किया गया कार्य शून्य कहलाता है। जब जो विस्थापन है अगर विस्थापन इस ओर है और बल नीचे की ओर लगाया जा रहा है तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। 90 डिग्री एंगल अर्थात थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है और कार्य वहाँ पर ज़ीरो हो जाता है क्योंकि हमें जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है, इसलिए वहाँ पर कार्य भी ज़ीरो हो जाता है। अर्थात यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत होता है तो कार्य कोई भी कार्य नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा, यदि थीटा की वैल्यू 90 है अर्थात लंबवत है तो वहाँ पर कार्य ज़ीरो हो जाता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। जब एक कुली सिर पर बोझा लिए समतल प्लेटफॉर्म पर चलता है, जब कोई कुली जो कोई व्यक्ति है वो बोझा लिए एक समतल प्लेटफॉर्म पर चलता है तो वहाँ पर भी जो कार्य है और बल की दिशा एक दूसरे की लंबवत हो जाती है, इसलिए वहाँ पर कार्य ज़ीरो कहलाता है। जब वस्तु वृत्त पथ पर एक पूरा चक्कर लगाती है, जी हाँ, किसी भी कोई भी वस्तु यदि वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगा रही है अर्थात वहाँ पर बल तो लग रहा है प्रत्येक बिंदु पर किंतु उसका जो विस्थापन है वो नहीं हो रहा है, इसलिए हमें कार्य करने के बाद अगर विस्थापन नहीं हो रहा है तो उस कार्य का मतलब ज़ीरो कहलाया जाता है। इसलिए वृत्तीय मार्ग पर गति करने वाली हर एक वस्तु का कार्य ज़ीरो या शून्य होता है। जब एक व्यक्ति अधिक बोझ लिए हुए अपने स्थान से विस्थापित नहीं होता है, जी हाँ, थर्ड हमारा जो एग्जाम्पल है कि जब एक व्यक्ति बहुत अधिक बोझ लिए होता है और अपने स्थान से हिल नहीं पाता है अर्थात वो बल तो लगा रहा है किंतु विस्थापन वहाँ पर शून्य हो रहा है, इसलिए वहाँ पर कार्य भी शून्य माना जाएगा। विस्थापन दोनों ही सदिश राशियाँ हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू विस्थापन होता है, तो यहाँ पर जो वर्क है हमारा वो बल पर भी निर्भर कर रहा है और विस्थापन पर भी निर्भर कर रहा है, किंतु बल जैसा कि हम जानते हैं एक सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है, किंतु जो कार्य होता है वो एक अदिश राशि है, कार्य में हमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कार्य का मात्रक जूल होता है। यदि एक न्यूटन का बल किसी पिंड को बल की दिशा में एक मीटर विस्थापित कर दे, ध्यान दीजिएगा एक न्यूटन का जो बल है वो किसी पिंड को एक मीटर विस्थापित कर दे तो किया गया कार्य एक जूल कहलाता है। अर्थात यदि एक जूल इज इक्वल टू वन न्यूटन इंटू वन मीटर, जी हाँ, ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक वन जूल इज इक्वल टू वन न्यूटन इंटू वन मीटर। चलते हैं आगे। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ तथ्य जो हैं वर्क से रिलेटेड बताई गई हैं कि जब कभी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य किया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जब भी कार्य किया जाता है तो किए गए कार्य की मात्रा वस्तु के वजन और जिस माध्यम के द्वारा वस्तु को उठाया जा रहा है उसकी ऊर्ध्वाधर दूरी के गुणनफल के समान होता है। आइए इसे देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है कि यदि किसी वस्तु को उठाने में किया गया कार्य इज इक्वल टू वस्तु का वजन इंटू ऊर्ध्वाधर दूरी, जी हाँ, इस फॉर्मूले की बात की जा रही है। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में बहुत अप्लाई होता है, W इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच, जहाँ पर W जो है वो किया गया कार्य है
इसके बाद m वस्तु का द्रव्यमान है, g गुरुत्वीकरण, गुरुत्वीकरण की वैल्यू जैसा कि हम जानते हैं 9.8 होती है, और ऊंचाई h होती है जहां वस्तु को, जितनी दूर वस्तु को उठाया जाता है। तो इस सूत्र को, फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, w इज इक्वल टू m इंटू g इंटू h। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन से। अब जो हमने पढ़ाई की है अभी भी, हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, सारे क्वेश्चंस के जवाब देने की आप स्वयं कोशिश कीजिएगा। जो भी हमने ऊपर पढ़ाई की है, जो भी डिटेल्स हमने देखी है, उसी बेस पर सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। जब किसी वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है उसकी ऊर्जा की क्षति होती है, ऑप्शन बी है उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऑप्शन सी है ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर ऑप्शन डी पहले ऊर्जा की क्षति होती है और फिर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जब किसी वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे द्वारा तो ऊर्जा की क्षति होती है हमारे शरीर के द्वारा, किंतु उस वस्तु में एक अलग ऊर्जा स्थानांतरण हो जाती है, अर्थात उस वस्तु पर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, ऑप्शन ए विस्थापन पर, ऑप्शन बी विस्थापन और बल के बीच के कोण पर, ऑप्शन सी है आरोपित बल पर, ऑप्शन डी है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वस्तु पर किया गया कार्य किस बात पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछा गया है किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस बात पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कि वस्तु का जो कार्य है वो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, अन्यथा ये विस्थापन पर भी निर्भर करता है, विस्थापन और बल के बीच के कोण पर और आरोपित बल, तीनों पर ये निर्भर करता है। अर्थात ऑप्शन डी सा करेक्ट आंसर है, वस्तु के वेग पर ये निर्भर नहीं करता है। 3, जब कोई वस्तु किसी खुरदरी क्षैतिज सतह से टकराती है तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए है पॉजिटिव सकारात्मक, ऑप्शन बी है 0-0, ऑप्शन सी है नेगेटिव या नकारात्मक, ऑप्शन डी है कांस्टेंट या फिर स्थिर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया है कि जहाँ पर भी घर्षण की बात होती है, क्षैतिज घर्षण की बात होती है, तो वहाँ पर जो भी कार्य होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि जो घर्षण होता है वो विस्थापन को अवरुद्ध करता है, विस्थापन को रोकने की कोशिश करता है, इसलिए वहाँ पर जो कार्य होता है वो नेगेटिव होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नकारात्मक। एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है तो वह, ऑप्शन ए कोई कार्य नहीं करता, ऑप्शन बी अधिकतम कार्य करता है, ऑप्शन सी है कार्य की गणना नहीं हो रही है, या फिर ऑप्शन डी है विपरीत कार्य हो रहा है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि यदि मनुष्य दीवार को धकेल रहा है और उसमें विस्थापन नहीं हो रहा है, तो जैसा कि हमने बताया कि कार्य में बल के साथ साथ विस्थापन का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि विस्थापन नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई कार्य नहीं हो रहा है। हमारा 5th क्वेश्चन है, जब चलती हुई कार में ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो कार की गति कम करता है अथवा उसे रोकने की कोशिश करता है, तो बल एवं विस्थापन के बीच में कितना कोण हो रहा है? तो हमारे ऑप्शंस है ऑप्शन ए 180 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 0 डिग्री, या फिर ऑप्शन डी है 45 डिग्री या 45 डिग्री। तो ड्राइवर है वो कार को रोकने की या उसे गति कम करने की कोशिश कर रहा है, गति कम करना अर्थात उसके विस्थापन में अवरुद्ध पैदा करना, तो जहाँ पर भी विस्थापन में अवरुद्ध आ रहा है उसे गति कम करने की कोशिश की जा रही है, तो वहाँ पर एंगल 180 डिग्री का बनेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, कि 180 डिग्री का एंगल उसमें बनता है, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन रोकने की गति, विस्थापन को रोकने की बात की जा रही है। मात्रक सीजियस पद्धति में क्या होता है? कार्य का मात्रक सीजियस पद्धति में क्या होता है? ऑप्शन है ए जूल, ऑप्शन बी है अर्ग, ऑप्शन सी है वाट, या फिर ऑप्शन डी है हॉर्स पावर। दोस्तों इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए कि सीजियस पद्धति में क्या होता है। एम के एसआई पद्धति में तो इसका आंसर है जूल। जी हाँ, जूल इस कार्य का मात्रक होता है, और सीजियस पद्धति में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्ग। सीजियस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी।
हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, जूल कितने अर्घ के बराबर होता है, एक जूल कितने अर्घ के बराबर होता है। ऑप्शन ए है 10^7 अर्घ, यहाँ पर जो बाजू में लिखा हुआ दोस्तों ये पावर में लिखा हुआ है 10^7 अर्घ। ऑप्शन बी है 10^8 अर्घ। ऑप्शन सी है 10^6 अर्घ। ऑप्शन डी है 10^9 अर्घ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एग्जाम्स में आपको कई बार ये क्वेश्चन देखने मिला होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10^7 अर्घ। 10^7 अर्घ। एक वृत्ताकार पथ में गति कर रही वस्तु द्वारा एक चक्कर में किए गए कार्य का मान कितना होगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है अधिकतम, ऑप्शन सी है 0 या फिर ऑप्शन डी न्यूनतम। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो उस पर बल, प्रत्येक बिंदु पर बल आरोपित किया होता है अभिकेंद्रीय बल, किंतु वहाँ पर विस्थापन, वृत्ति मार्ग में विस्थापन नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर जो कार्य का मान होगा वो 0 होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 0। ऑप्शन ए 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाने के लिए न्यूनतम आवश्यक बल किसके बराबर होता है। न्यूनतम आवश्यक बल किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान, या फिर ऑप्शन बी है विस्थापन, ऑप्शन सी है त्वरण, या फिर वस्तु के भार के बराबर होता है। वस्तु के भार के बराबर, किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाने के लिए न्यूनतम आवश्यक बल वस्तु के भार के बराबर होता है। एक क्षैतिज दिशा में गतिशील वस्तु के लिए गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जाता है, क्यों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से देखिए, एक क्षैतिज दिशा में गतिशील वस्तु के लिए गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, इसका कारण हमें बताना है। ऑप्शन ए है क्षैतिज दिशा में ऊंचाई का मान 0 होता है, ऑप्शन बी है गुरुत्वाकर्षण वहाँ पर नहीं लगता है, या फिर ऑप्शन सी है वेग कम हो जाता है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्षैतिज दिशा में ऊंचाई का मान 0 हो जाता है। जी हाँ, क्षैतिज दिशा की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर ऊंचाई का मान 0 हो जाता है, जहाँ पर ऊंचाई नहीं होगी वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए